प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में एक नया फॉर्मेट पढ़ेंगे और वो फॉर्मेट आपका है टेन पे पावर एन एक्स कॉट पे पावर एन एक्स, जहां पर ये पावर एन आपका कोई भी आपका नेचुरल नंबर हो सकता है। तो इस फॉर्मेट की इंटीग्रेशन को हम लोग कैसे बनाएंगे, आइए कुछ एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन आपका है आई इक्वल टू टेन क्यूब एक्स इंटू डी एक्स, कैसे बनेगा। इसमें अलग अलग सवाल के लिए अलग अलग कंसेप्ट होगा, जब दो तीन सवाल आप देखिएगा तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि कहां पर क्या पुट करना है। तो 10 पर ऑड पावर है ना, एक 10 को आप अलग कर लीजिए, आई बराबर 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 एक्स और आपका हो गया डी एक्स। अभी भी फायदा नहीं है क्योंकि 10 को पुट करके डिफ्रेंशिएट कीजिए तो sec स्क्वायर होगा, जबकि यहां पर sec स्क्वायर है नहीं, इसीलिए इस 10 को sec में बदल दीजिए, यानी कि i बराबर sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू 10 एक्स डी एक्स। अब दोनों को अलग अलग कर लीजिए, sec स्क्वायर x इंटू 10 एक्स डी एक्स माइनस 10x dx। और अब देखिए बाबू कि इसमें यदि 10 पुट कीजिएगा तो डिफरेंशिएट करने पे sec स्क्वायर आ जाएगा और 10x के इंटीग्रेशन भी जानते हैं। अब दोनों सवाल दोनों ही केसेस में आपका बन जाएगा, तो क्या कीजिए, यहां पर आपको पुट करना था 10, तो जिसको पुट करना है उसको लिखिए और उसी को d में घुसाइए, 10x d10x। लेकिन एक बार जरूर वेरीफाई कीजिएगा, 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। और प्यारे बच्चों ये log ये आपका 10x हो गया, जिसका इंटीग्रेशन होता है माइनस log mod cos x या log sec x, तो cos वाला ले लीजिए, माइनस log mod cos x प्लस c, और ये x का फॉर्मेट हो गया x dx, और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 होता है, यानी कि i बराबर हो गया 10 स्क्वायर x बाय 2 माइनस इनटू माइनस प्लस log mod cos x प्लस c, और यही आपका हो गया प्यारे बच्चों आंसर। ठीक है, मैं एक बार मिला लेता हूं। ठीक है, बिल्कुल सही है। आइए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से कहता है, आई बराबर इंटीग्रेशन 10 पे पावर 4x dx। तो इसमें से देखिए 10 का इवन पावर है ना, तो 10 स्क्वायर को अलग कर लीजिए आप। ठीक है, तो आप इस प्रकार से बनाइए इसको, 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x dx, और इसमें से आप क्या कीजिए कि एक 10 को आप बदल लीजिए sec, तो आपका आई बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू 10 स्क्वायर x डी एक्स। अब इसको अलग अलग कर लीजिए, तो sec स्क्वायर x 10 स्क्वायर x डी एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10 स्क्वायर x और हो जाएगा डी एक्स। इसमें 10 पुट करके डिफरेंशिएट कीजिएगा तो sec स्क्वायर बन जाएगा, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लोग नहीं जानते हैं, तो इसको sec में बदल दीजिए। तो यहां पर आप 10 पुट कर रहे थे, जिसको पुट कीजिए उसको लिखिए और उसी को d में घुसा दीजिए, लेकिन एक बार वेरीफाई कीजिए, 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, बिल्कुल ठीक है। और इसे बच्चों आप चेंज कर लीजिए sec स्क्वायर x माइनस 1 और आपका हो गया dx। अब देखिए x स्क्वायर का फॉर्मेट हो गया, x स्क्वायर की इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3 होता है,
यानी कि i बराबर 10 क्यूब एक्स बाय 3 माइनस सेक स्क्वायर का 10 एक्स माइनस इनटू माइनस प्लस 1 इनटू dx 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 का x प्लस c, और यही बाबू आपका हो गया आंसर। देखिए ये सब क्वेश्चन आपका यदि ऑब्जेक्टिव में आ जाता है ना, तो आपको क्या है कि पुट पाठ करने के बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप प्रभाकर सर के पास पढ़ते हैं। पुट पाठ करके बनाइए तो टाइम कितना ज्यादा लगेगा, आप डायरेक्ट इस मेथड से बना लीजिए एलिटर, जिसको GIPL मेथड कहते हैं, जुगाड़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। यह मेरा दोस्त के द्वारा दिया गया एक कोटेशन है जिसको मैं याद रखता हूँ। तो इस प्रकार से आपको बच्चों इसको बना लेना, फिर भी मैं आंसर भी बुला लेता हूँ। यस आंसर इज वेरी राइट, अरे वाह क्या बात है। अच्छा बच्चों मैं दो क्वेश्चन को दे देता हूँ एज ए टास्क, देखिए तो एज ए टास्क आप बनाइएगा इंटीग्रेशन कॉट क्यूब एक्स डीएक्स, ये आपका रहा टास्क, और इंटीग्रेशन कॉट पे पावर 4x डीएक्स, ये भी आपका रहा टास्क, इसको बना लीजिएगा। ठीक है आइए अब इसे नोट कीजिए आप। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 10 पे पावर एन एक्स, और इसको इंटीग्रेट करने पर मिलेगा 1 बाय एन माइनस 1 10 पे पावर एन माइनस 1 एक्स माइनस इंटीग्रेशन 10 पे पावर एन माइनस 2 एक्स डीएक्स। तो कैसे सॉल्व कीजिएगा आप देखिए सॉल्यूशन। आइए मान लीजिए इंटीग्रेशन 10 पे पावर एन एक्स डीएक्स, ठीक है, और आप क्या कीजिए तो आइए यहां से 10 स्क्वायर, यहां से आप क्या कीजिए तो यहां से आपको अलग कर देना है, क्या अलग कर देना है तो 10 पे पावर जो है 2, यानी कि इस प्रकार से 10 पे पावर n माइनस 2 एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि n माइनस 2 और पावर 2 मिलके तो n ही हो गया, इस 10 को बदल दीजिए सेक में, तो in बराबर इंटीग्रेशन 10 पे पावर n माइनस 2 एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डीएक्स। अब दोनों को अलग अलग कर लीजिए तो in बराबर इंटीग्रेशन 10 पे पावर n माइनस 2 एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन 10 पे पावर n माइनस 2 एक्स डी। और इसमें से देखिए कि यदि आप 10 को पुट कीजिएगा तो डिफरेंशिएट करने पे सेक स्क्वायर आ जाएगा, तो आप जिसको पुट कीजिएगा उसको लिखिए, यानी कि 10 पे पावर n माइनस 2 एक्स लिख दीजिए और d में आप उसी को घुसा दीजिए, 10 एक्स को घुसा दिए, एक बार वेरीफाई कीजिए 10 एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स बिल्कुल सही है। और अब देखिए प्यारे बच्चों आपको क्या मिल गया, तो in बराबर यह आपका x पे पावर n माइनस 2 है, तो x पे पावर n माइनस 2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x पे पावर n माइनस 1 बाय n माइनस 1, यानी कि t पे पावर n माइनस 1 x बाय n माइनस 1 हो गया। और फिर प्यारे बच्चों यहां पर मैं लिखना भूल गया था, तो 10 पे पावर n माइनस 2 एक्स डी एक्स, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन 10 पे पावर n माइनस 2 एक्स डी एक्स। देखिए यही हम लोगों को दिखाना था, सिर्फ in के जगह पे क्या लिख दीजिएगा ये वाला, दैट इज इंटीग्रेशन 10 पे पावर n x डी एक्स बराबर आपका हो गया 1 बाय n माइनस 1 इंटू 10 पे पावर n माइनस 1 एक्स माइनस इंटीग्रेशन 10 पे पावर n माइनस 2 एक्स डी एक्स। दिख रहा है यहाँ तक? हाँ यहाँ तक बिल्कुल दिखा है। और इसी को लिखने का तरीका क्या है, इस प्रकार से यदि आप इसको in लिखते हैं 10 पे पावर n को in लिखते हैं, तो in बराबर 1 बाय n माइनस 1 10 पे पावर n माइनस 1 एक्स माइनस, तब ये जब 10 पे पावर n को in लिख रहे हैं तो 10 पे पावर n माइनस 2 आपका हो जाएगा in माइनस 2, in माइनस 2,
और यही प्यारे बच्चों आपका हो गया सिर। और इसको हम लोग एक स्पेशल नाम से जानते हैं, वह स्पेशल नाम है रिडक्शन फॉर्मूला। समझिए, इसको एक स्पेशल नाम से जानते हैं रिडक्शन फॉर्मूला। समझिए, किसके लिए रिडक्शन फॉर्मूला? तो रिडक्शन फॉर्मूला फॉर 10। टेन पे पावर एन। ठीक है, तो होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, बिल्कुल क्लियर है। इसी चीज को हम लोग और ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं जब हम लोग बीएससी पार्ट 1 में आएंगे। ठीक है बच्चों, तो ओके, आप इसको नोट कर लीजिए।